हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑफ सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल. नाउ एज यू ऑल नो दैट लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, या एंड टुडे एंड दिस इज द टाइम ऑफ टोटली ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पैरट. एज ओके, टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर सीन पैरट? You know about parrot? What is parrot? Parrot is a bird, green color bird, right? Okay. In this story, there is one girl like you. There is one girl like you, and her name is Rupa. And I will tell you how Rupa likes the parrots too much, and how she saves the life of a parrot. What she is going to tell her grandmother. Even grandmother and mothers and teachers can also learn from you, from the small kids. Okay, now I am going to read the chapter, right? Okay, right. See, Rupa wanted a pet. Rupa ko kya chahiye tha? Pet is मेरा अपना एक पालतू पक्षी, जानवर चाहिए था उसको. आपको चाहिए क्या? ओके, रूपा वांटेड ए पेट. रूपा को एक अपना पालतू जानवर चाहिए था. वन डे शी सेड टू हर मदर, एक दिन उसने अपनी मम्मा को कहा, मदर कैन आई हैव ए पप? क्या मैं एक छोटा सा डॉगी ले आऊँ? आप लोगों को चाहिए डॉगी? चाहिए? ओके, मैं एक पप ले आऊं प्लीज. रूपाज मदर सेड, रूपा की माँ ने कहा रूपा वी लिव इन अ स्मॉल फ्लैट. रूपा बच्चे, हम एक छोटे से घर में रहते हैं. अ पप लाइक्स टू रन एंड प्ले, लेकिन एक छोटा सा पालतू कुत्ता भागेगा, दौड़ेगा तो कैसे होएगा? वी कांट कीप ए पप हेयर, हम उसको अपने घर में नहीं रख सकते. रूपा वॉज अनहैप्पी. क्या हुआ? रूपा उदास हो गई. नेक्स्ट डे रूपाज ग्रैंड मदर केम टू देयर हाउस. अगले दिन क्या हुआ? रूपा की घर पे कौन आया? उसकी दादी माँ. आप लोगों की दादी माँ है क्या? ओके, वेरी गुड. उसकी दादी घर पे आई. ये देखो, उसकी मम्मा जब उसको मना कर रही थी तो कौन आया? उसकी दादी. और दादी के बैग में क्या है? उसके पास एक बैग है. और बैग में क्या है? रूपा के लिए गिफ्ट है. देखो उसकी दादी क्या लेके आई उसके लिए. तो ग्रैंड मदर यूज्ड टू लिव इन अनदर पार्ट ऑफ द टाउन. तो आपकी दादी कहाँ रहती हैं? आपके घर में. हाँ, कईयों की दादी बाहर भी रहती हैं. तो ग्रैंड मदर तो शहर के दूसरे कोने से आई. When Rupa saw her, जब रूपा ने अपनी दादी को देखा तो क्या किया? बोलो, क्या किया? बोलो. She jumped with joy. वो खुशी से झूम उठी, उसने जंप किया. Hello grandmother, I am very happy to see you, said Rupa. तो उसने क्या किया? Hello grandmother, I am very happy to see you. आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ. वो खुशी से झूम उठी. ग्रैंड मदर स्माइल्ड एट रूपा. ग्रैंड मदर ने भी प्यार से रूपा की तरफ देखा. आपकी दादी देखती है ना आपको प्यार से. शी सेड, उसने कहा, रूपा सी दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ. जब दादा दादी घर पे आते हैं, नाना नानी घर पे आते हैं, तो हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं ना. दादी भी गिफ्ट लेके आई. रूपा रैन टूवर्ड्स हर ग्रैंड मदर. रूपा दौड़ के भाग के अपनी दादी के पास गई. शी हैड ब्रॉट ए पैट पैरट फॉर हर. तो दादी उसके लिए क्या लेके आई थी? एक प्यारा सा हरे रंग का तोता राम, गंगा राम जिसको बोलते हैं, वो लेके आई. हेलो, आई एम पॉली. तो जब उसने बैग खोला और उसमें से क्या निकला? यस राइट, तोता निकला. तो तोता क्या बोला? हेलो, आई एम पॉली. रूपा स्क्रीम्ड
एंड मूव्ड अवे। रूपा ने चीख लगाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, खुशी से चिल्लाना। रूपा खुशी से चिल्ला उठी और भाग के उस किसके पास गई, राइट तोते के पास। ग्रैंड मदर लाफ्ड, दादी माँ को भी बड़ी अच्छा लगा, दादी माँ को बड़ी खुशी हुई। आर यू स्केयर्ड, आर यू स्केयर्ड, तुम्हें डर लग रहा है, शी आस्क्ड। डोंट यू वॉन्ट टू प्ले विद इट, तो उसने पूछा तुम इसके साथ खेलना नहीं चाहोगी। इट्स योर्स, ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, सेड ग्रैंड मदर। मदर स्पोक टू मी दिस मॉर्निंग, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज सुबह फ़ोन पर मेरे से बात की। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट यू वॉन्टेड ए डॉग, कि तुम्हें एक क्या चाहिए, छोटा सा डॉगी चाहिए था। शी ऑल्सो टोल्ड मी, उसने मुझे ये भी बताया दैट यू वर अनहैप्पी, कि जब तुम्हारी माँ ने मना किया था तो तुम क्या हो गई थी, बहुत उदास हो गई थी। सो आई हैव ब्रॉट दिस पैरट फॉर यू, तुम्हारे लिए इस वजह से मैं एक छोटा सा तोता लेके आई हूँ। क्यों, पप्पी क्या करेगा, घर में इधर भागेगा उधर भागेगा, ये वो गंदगी मचाएगा, लेकिन पैरट क्या करेगा, एक जगह पे पिंजरे में टंगा रहेगा, वो इधर भी नहीं भागेगा उधर भी नहीं भागेगा, तो घर में गंदगी भी नहीं फैलेगी। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मदर, तो रूपा ने क्या कहा, दादी माँ थैंक यू वेरी मच, आप मेरे लिए एक छोटा सा तोता लेके आए, ही इज़ वेरी स्वीट, ये बड़ा अच्छा है, ही टॉक्स टू, ये तो बातें भी करता है। बट आई कांट कीप हिम, सेड रूपा, लेकिन रूपा ने कहा दादी मैं इसको अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। ग्रैंड मदर वॉज सरप्राइज, ग्रैंड मदर तो हैरान हो गई, उसने पूछा क्या हुआ, Why? She asked. उसने पूछा क्यों नहीं रख पाओगी तुम अपने साथ। ग्रैंड मदर दिस पैरेट शुड बी फ्री, दादी ये तोता आज़ाद रहना चाहिए, हम भी तो आज़ाद है ना, हम कैसे किसी को पिंजरे में बांध के रखें। इट शुड बी फ्लाई अबाउट हैप्पीली, इसको खुली हवा में खुशी से उड़ने दो। इट शुड बी विद इट्स फैमिली, इसको इसके परिवार के साथ रहने दो। इट कांट कीप इट इन अ केज, हम इसको पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते, है ना, इज इट राइट ना, रूपा वॉज राइट, सही थी रूपा। ग्रैंड मदर लुक्ड एट रूपा विद ए स्माइल, ग्रैंड दादी माँ रूपा की तरफ देख के बहुत प्यार से मुस्कुराई। माई क्लेवर रूपा, ओ मेरी प्यारी बच्ची, शी सेड, उसने कहा हाउ डिड यू लर्न दिस, तुमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी, कौन तुम्हें सिखाता है ऐसी बातें। तो दादी ने पूछा रूपा आपको ऐसी बातें कौन सिखाता है, तो रूपा ने पता क्या जवाब दिया, दादी माई टीचर टॉट अस, मेरी टीचर जो है स्कूल में वो सिखाती हैं कि ही आस्क्ड अस वेदर वी शुड लाइक टू लिव इन अ केज ऑल अलोन, हमारे टीचर ने बताया कि अगर आपको एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो आप रह सकते हो अकेले। अच्छा मुझे बताओ आप रह जाओगे, नहीं ना, हाँ ऐसे ही, वुडंट वी वॉन्ट टू लाफ एंड प्ले विद आवर फ्रेंड्स, क्या हम अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहेंगे। अच्छा मैं आपको पूछती हूँ, आपको मैं एक कमरे में बंद करके रख दूँ, सारे आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो आप क्या करोगे, बोलो खुश रहोगे, नहीं आप क्या करोगे, रोना शुरू कर दोगे। ऐसे ही उसने भी अपनी दादी को बता दिया, हम भी अपने दोस्तों के साथ खेलना और हंसना पसंद करेंगे। वी ऑल अंडरस्टूड दैट ए पैरट नीड्स टू बी फ्री टू, हमें समझना चाहिए ऐसे ही एक तोते को भी हमें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये इसका टीचर है रूपा का, रूपा अपनी दादी को सब कुछ बता रही है, समझा रही है, तो अपने टीचर के बारे में वो सोच रही है, जैसा जैसा उसके टीचर ने बताया वो सब अपनी दादी को बता रही है। राइट, समझ आया चैप्टर, वेरी गुड। सी इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, ये क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, हमको क्या करना है, जो जो सेंटेंसेस इसमें सही हैं वो यहाँ पे टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू, जो गलत हैं वो लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स। राइट,
ओके सपोज वन सेंटेंस फॉर यू, रूपा वॉन्टेड ए पेट, रूपा को क्या चाहिए था, एक पेट चाहिए था, ये सही है गलत? सही है, तो हम क्या लिखेंगे, टी, टी मीन्स ट्रू, ठीक है। ऐसे ही ये सारे जो है क्वेश्चन आंसर भी हैं इसमें, ये तुम लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। आई विल पोस्ट दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑल द एक्सरसाइजेस इन द बुक, बट क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है। सी दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, टू क्वेश्चन आंसर्स वी हैव सीन ऑन द बैक पेज, राइट। ओनली क्वेश्चन आंसर्स यू विल राइट इन द फेयर नोटबुक, बट इन द टेक्स्ट बुक, सी देयर वर द ट्रू और फॉल्स एक्सरसाइज वॉज देयर ना, वन सेकेंड एक्सरसाइज इज देयर, सी देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वे, दिस एक्सरसाइज यू विल डू इन द टेक्स्ट बुक, इन द बुक ऑल्स हेयर एंड दिस वन इन द बुक, दिस एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड दिस एक्सरसाइज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स यू विल राइट इन द बुक। हेयर इज वन पेज, दिस इज रिगार्डिंग योर बैक एक्सरसाइज एंड दिस इज लाइफ स्किल। लिसन मी स्टूडेंट्स, सी डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग, आप घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन की हेल्प करते हो ना, हाँ। डू यू ऑफर टू कैरी देयर बैग्स, जब मम्मा बाजार जाती हैं, भैया स्कूल से आता है, दीदी स्कूल से आते हैं, आप उनकी हेल्प करते हो, फैच मिल्क पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स, घर में दूध आता है, न्यूज़पेपर आता है, पापा को उठा के देते हो ना, दूध का पैकेट मम्मा को उठा के किचन में रखते हो ना, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसमें बताया है कि आप अपने मम्मी और पापा की कैसे हेल्प करते हो, क्या करना है ये देखो, ये चीज़ जो है आप अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर लिख के लेके आना कि मम्मा की क्या हेल्प करते हो, पापा की क्या हेल्प करते हो, और एल्डर ब्रदर सिस्टर अगर घर में है तो उनकी कैसे हेल्प करते हो। और ये आपकी एक्टिविटी देखो, एक पार्क में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, स्विंग्स हैं, ये बॉल से खेल रहे हैं बच्चे, ये सीसा है देखो, है ना, आप जाते हो ना, इस संडे क्या करना है, मम्मा पापा को बोलना है कि हमें भी ऐसे ही एक पार्क में लेके चलो ताकि हम भी इंजॉय कर सके, ठीक है। तो मंडे को आके फिर मेरे को बताना कि कौन कौन पार्क में गया था, कैसे कैसे सबने इंजॉय किया, ठीक है। ओके बाय बाय।